आरा की विश्वराज हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड के तहत मरीजों का सफल इलाज कर नया कीर्तिमान लिख रहे हैं। अब तक लगभग 400 से 500 मरीजों का उन्होंने सफल इलाज किया है। विश्वराज हॉस्पिटल करमनटोला में स्थित है, जहां आयुष्मान भारत PMJAY सूचीबद्ध अस्पतालों में डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता के द्वारा मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा दिया जा रहा है। यह बातें मरीजों ने बताया। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड के तहत इलाज करा रहे मरीजों ने बताया कि उन्हें प्रतिदिन 3 टाइम का भोजन, निःशुल्क दवा के साथ ही डॉक्टरों की देखरेख हमेशा होती रहती है। लोगों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आयुष्मान कार्ड के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, मरीजों को डराते हैं कि इसके साथ सही इलाज नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह मरीज का कहना है। मरीजों ने भी कहा कि इसके साथ इलाज करने से हमारा पैसा बचता है, जो इलाज हम नहीं करा सकते वह भी हम इस कार्ड के माध्यम से करा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्ड का लाभ भी लेना चाहिए। वहीं विश्वराज हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि आयुष्मान हेल्थ कार्ड के तहत उनके क्लिनिक में मरीजों को अच्छी चिकित्सीय सुविधा के साथ साथ निःशुल्क दवा व भोजन भी दिया जाता है। मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर लगातार मेरे द्वारा देखरेख भी की जाती है। डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता ने लोगों से अपील किया कि आयुष्मान हेल्थ कार्ड के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग चिकित्सीय सुविधा का लाभ ले सकते हैं, किसी के बहकावे में न जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड के बारे में अवगत कराएं और इसका वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना सरकार की वह योजना है जो गरीब और ज़रूरतमंदों को बेहतर से बेहतर चिकित्सीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करा सके। इसको लेकर सरकार ने कई तरह की जागरूकता कार्यक्रम और कई तरह की पहल भी किए। वहीं विश्वराज हॉस्पिटल के डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता इस आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड के तहत मरीजों का इलाज कर उन्हें ठीक करके वापस अपने घर भेज रहे हैं। आयुष्मान हेल्थ कार्ड के तहत आपका ऑपरेशन हुआ? आयुष्मान कार्ड पर हुआ है। आयुष्मान कार्ड पर हुआ है? हाँ। क्या हुआ था आपके हाथ में? हाथ में स्टील टूट गया था। अच्छा, रड लगा था जी सर। तो यहाँ मतलब कि यहाँ कैसे आप पहुँची? सरकारी में से हम लोग का पता चला कि यहाँ सर करते हैं आयुष्मान कार्ड से, तो पैसा नहीं लगता है। अच्छा, पैसा से नहीं दिया जाएगा? नहीं, खाना पीना हर कुछ आयुष्मान कार्ड। यहाँ पर कुछ खाने का मेनू लिखा गया है, मेनू के हिसाब से खाना मिलता है? जी सर, मिलता है 3 टाइम। 3 टाइम खाना मिलता है, यानी आयुष्मान के तहत जो ऑपरेशन हुआ सब फ्री में हुआ? जी सर। अभी क्या लगता है कि आपका जो हाथ खराब हुआ है बिगड़ा हुआ सही हो जाएगा ना? जी सर। क्या नाम है? रूबी कुमारी। कहाँ से आई आप? नेवर पखर से। आपका किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? हाथ टूट गया है, ऑपरेशन का पिन लगा रहा है, सब सरकार ऑपरेशन करके निकाल दिया। किस योजना के तहत ये ऑपरेशन हुआ था आपका? हॉस्पिटल माने आयुष्मान भारत द्वारा। आयुष्मान भारत का? हाँ। आपको कैसे पता चला कि फ्री में आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा हो जाएगा, ये जानकारी था ना? पहले ना भाई नहीं तो पता चला, लगा बाद पता चलने के बाद हम एडमिट हुआ। खाना मिलता है सुबह नाश्ता, फिर दोपहर में चावल, फिर शाम के रोटी, मैंने 4 गो सुबह रोटी मिलता है और सब्जी, और दोपहरिया में दाल भात सब्जी। अभी शाम से काम खाने का जो मेनू लगा है मेनू के हिसाब से मिलता है खाना? हाँ हाँ मिलता है। यहाँ बेड उड के लिए कोई चार्ज ना? कोई चार्ज नहीं, दवा हुआ सब मुफ्त मिलता है? एकदम मुफ्त मिलता है, सब कुछ मुफ्त मिलता है। कहाँ रहने वाले हैं आप? चौरी। चौरी के क्या नाम है? राजकुमार पंडित। आयुष्मान हेल्थ कार्ड के तहत यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था? हाँ सर। तो क्या हुआ था पैर में आपके? पैर में हुआ था कि टूट गया था दोनों और दो हड्डी। अच्छा। हाँ, पैर में मतलब कि प्लास्टर हुआ था कि रड हुआ? रड लगा था, यहाँ पर आया था। पैसा उसे भी लगा? ना सर। खाने में तो मिलता है? हाँ। खाने में क्या मिलता, मतलब जो मेन्यू है यहाँ पर उसे मिलता है? या रोटी मिलता है, सब्जी मिलता है, और दोपहर में मिलता है दाल भात चोखा। खाना मिलता है? हाँ, फिर शाम के रोटी सब्जी मिलता है। मतलब कैसे यहाँ पहुँचे? मतलब कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर इस तरीके का आयुष्मान के तहत इलाज होता है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। कहाँ से आए हैं? बीरमपुर से। किस चीज का हुआ है? हाथ का ऑपरेशन। हाथ का ऑपरेशन।
डायरेक्टर आए थे या इसके तहत आपने ऑपरेशन करवाया? दूसरे जगह गए हुए थे तो उसमें खर्च ज्यादा लग रहा था। हाँ। हम छोटा मोटा कारीगर आदमी है और उसमें ज्यादा पैसा लग रहा था, इसके चलते हम आयुष्मान कार्ड का यूज किए। आयुष्मान कार्ड के तहत यहाँ पर ऑपरेशन? हाँ। मतलब पैसा उसा लगा? पैसा एकदम भी एक भी दवा हुआ कुछ के लिए भी? कुछ का भी नहीं लगा। खाना पीना मिलता है? नहीं, एकदम सही मिलता है। तो यहाँ पर मेनू लिखा हुआ है? हाँ, सब जितना चीज लिखा हुआ है, इसलिए कि थोड़ा बहुत ऐसे मिल जाता है, नाश्ता वगैरह मिल जाता है हमको। ऐसे डायबिटीज का बीमारी है हमारा, यानी आपके हिसाब से जो प्रॉपर वे मिलना चाहिए मिल जाता है। यानी आप बाहर जाते तो पैसा लगता है आपका? एकदम लग जाता है। तो लोगों से क्या अपील करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि पैसा लगता है आयुष्मान वगैरह कुछ तरीके, कुछ लोगों में गलत भ्रांतियाँ हैं। हाँ, तरह तरह का आदमी का भी मेथी रहता है, लेकिन ये हमारे सोच विचार से यही हुआ कि आयुष्मान कार्ड का हम यूज करें, सरकार का ज्यादा से ज्यादा यूज करें और मतलब पैसे को भी अपना बचाएं और साथ मिला भी पाए। क्या नाम है आपका? उत्तम शर्मा। कहाँ से आए हैं? आरा पकड़ी से। आयुष्मान की तरफ सारी हम लोग सुविधा दे रहे हैं, खाने का दे रहे हैं, इलाज संबंधित जो भी ऑपरेशन के इम्प्लांट लगते हैं, ड्रेसिंग हो गया, एक्सरे हो गया, दवाई हो गया 15 दिन का, इस सारी सुविधा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं मरीजों को। खाने का एक मेनू है सर, बात जी क्या मेनू के हिसाब से मरीजों को खाना दिया जा रहा है? हाँ, मेनू के हिसाब से खाना दिया जा रहा है, स्वस्थ खाना दिया जा रहा है, तीनों टाइम का भोजन दिया जा रहा है, भरपेट दिया जा रहा है, और जो है उसमें जो पेशेंट का जो एक्चुअली डाइट जो होना चाहिए जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं मेंटेन कराने के लिए। आयुष्मान कार्ड को लेकर कुछ लोगों में भ्रम है कि बड़े बड़े ऑपरेशन इसके तहत नहीं होते हैं, तो क्या ये सच्चाई है सर? नहीं, बड़े बड़े ऑपरेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे और नहीं होते हैं, ये भ्रम जो है हम कैसे दूर करेंगे, आप लोग के माध्यम से कैसे दूर होगा, पब्लिक को जागरूक होने की जरूरत है। रोज दिन मैं ऐसे ऐसे पेशेंट को फेस कर रहा हूँ कि वो लोग गांव देहात में रह रहे हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, कंफ्यूज रह रहे हैं कि नहीं हो सकता है हमारे यहाँ, तो हम PHR कर रहे हैं, SEL की अभी स्पाइन भी कर रहे हैं, आपको जो भी मतलब इलाज उचित होना चाहिए उस तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए कॉस्ट फैक्टर कहीं मायने नहीं रखता। सरकार द्वारा लगातार आयुष्मान कार्ड को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन मरीजों का रेशियो जो है आयुष्मान के तहत जो सुविधा लेनी चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी ये दुर्भाग्य की बात है हम लोग का इस शहर में, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से भी, अवेयरनेस हो, लोग जाने की जो है सारी सुविधाएं जब उपलब्ध हैं, तो इन लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सर, कई मरीज अभी एडमिट हैं, उन्होंने बताया कि पैसे सामने पूछा पैसे, तो कई लोगों को लगता है कि शायद कुछ पैसा वैसा लगता हो किसी भी चीज के लिए, नहीं लगता ऐसा तो पैसा तो वो लोग बताए नहीं होंगे, या बताए तो बताइए उनको पैसा लगता हो। सब फ्री तो सब तो फ्री है, सब फ्री मिल रहा है, सब फ्री सुविधा, जांच तक फ्री है, एक्सरे तक फ्री है, आपको हम ड्रेसिंग फ्री दे रहे हैं, जब मरीज आ रहा है तो कर रहे हैं, उसके बाद आपको जो है ऑपरेशन के सारे इम्प्लांट्स वगैरह सारा तो सुविधा मिल ही रहा है, खाना भी दे रहा है। हाँ, 15 दिन का सुविधा यहाँ पे हम लोगों को देना है, मैंडेटरी है, हम लोग दे रहे हैं। अभी तक लगभग कितने मरीजों का यहाँ पर इलाज मिला आयुष्मान कार्ड के? करीब 400-500 के आसपास टच कर रहे हैं हम, 400+ जा रहे हैं हम, और हमने इलाज कर रखे हैं, और ये सारे तरीके से मतलब आर्मी के जैसे CAPF कार्ड होता है उसके भी मरीज आते हैं मेरे यहाँ, उनका भी इलाज हो रहा है। आपको जिनके मरीज आ रहे हैं, जैसे कि जिनका राशन कार्ड लेके आए और उनको मालूम नहीं है कि आयुष्मान उनका पैनल में उनका नाम है, तो हम अपने आरोग्य मित्र मेरा उसका कार्ड बना दे रहे हैं और उसको कार्ड कन्वर्ट करके फिर उसको प्राइवेट से सूच किया है इलाज कराने, और आयुष्मान पेशेंट अगर है वो उसके पास, हमको सूची में जानकारी मिल गई और हमने चेक किया मालूम चल गई, तो हम लोग उसको आयुष्मान बता देते हैं आपको पैसा नहीं लगेगा, आप फ्री में इलाज कराइए। है कि जो जरूरतमंद गरीब हैं उन्हें आयुष्मान के तहत बेहतर से बेहतर चिकित्सीय सुविधा मिले, लेकिन अभी भी जागरूकता की कमी दिख रही है, जिसके लिए आरा शहरवासियों या भोजपुर जिले वासियों से क्या सहायता करनी चाहिए? मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आयुष्मान के तहत आप लोग इसका लाभ उठाइए, इस सरकार का बहुत अच्छा प्लानिंग है। मैं 2020 से लगा हुआ इस मिशन में और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों को मैसेज जाए, और मैसेज पहुँचाने का काम पेशेंट है, पेशेंट लोग को आप फीडबैक दीजिए, पेशेंट लोग खुद बताते हैं कि जो है सारा काम फ्री में हो रहा है, और प्लस जो है आप कॉन्फिडेंस रहिए,
आप घबराइए नहीं, कोई कंफ्यूज मत होइए। और मीडिया के मैं बंधुओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने मीडिया भाई लोग हैं सभी लोग पब्लिक को एटलीस्ट जानकारी दें, इस चीज का अवेयरनेस दिलवाएं, और तभी लोग जागरूक होंगे, चाहे पेपर प्रिंट मीडिया हो, चाहे ये सोशल मीडिया हो, या सरकार जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है वहां के थ्रू भी मालूम चले, पेपर में भी निकले, तो कॉन्फिडेंस लोगों का जगे और जो है लोग आए अपना इलाज कराएं। हम तो देना चाहते ही हैं, हम सरकार का इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए एकदम प्रतिज्ञ हैं।